सबको जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम प्रभु के नाम को पुकारें, यीशु के नाम को पुकारें। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। वचन बताता है मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उसे मुक्ति मिल सकती है सिवाय यीशु नाम के। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर एकमात्र नाम है, वो नाम है यीशु। आइए हम यीशु के नाम को लें, उसके लहू को हम पुकारें। यीशु ने अपने लहू बहाकर आपको और मुझे खरीदा। वचन बताता है हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम दाम देकर खरीदे गए हैं, लहू की कीमत पर खरीदे गए हैं। यीशु ने अपना लहू बहाया और हमें खरीदा। उसी लहू के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है, उसी लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। पुराने जमाने में लोग शुद्धिकरण के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, पवित्रता के लिए तमाम प्रकार की बलियां देकर, अलग अलग बलियां देकर उसके लहू से को छिड़कते थे, अपने घरों में चौकटों पर अपने शरीर पर लगाते थे। उनका मानना ये था पुराने ज़माने में कि लहू के द्वारा ही मुक्ति है, लहू के द्वारा ही छुटकारा है, शुद्धता है। लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने सारी बलियों को, सारे बातों को उन्होंने नष्ट किया और अपना लहू बहाकर एक ही बलिदान के द्वारा सब कुछ पवित्र बना दिया, सब कुछ नया बना दिया, पापों से उद्धार दिया, मुक्ति दी। और वही लहू के द्वारा आज हर प्रकार की बीमारी चंगी हो जाती है, हर प्रकार के रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो आज हम अपने घर की दीवारों पर, घर की चौखटों पर, अपने शरीर पर, सर से पैरों तक यीशु के लहू को लगाएं, यीशु के लहू को पुकारें। वही हमें बचाएगा, वही हमें छुड़ाएगा। यीशु का लहू किसी बकरे का लहू नहीं है, किसी मेमने का लहू नहीं है, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि पाक और पवित्र लहू। उस लहू को हम पुकारें, उसके द्वारा मुझे और आपको आशीष मिली है, हमारा उद्धार हुआ है। तो आइए उस लहू को पुकारते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे। मैं आप सबके लिए, आपके द्वारा भेजे सभी निवेदन प्रार्थनाओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, ताकि प्रभु आज आपका अपने घावों से बहते हुए रक्त के द्वारा स्पर्श करे, छुए और चंगाई प्रदान करे। यीशु के लहू को पुकारे,
किसी बकरे का नहीं बल्कि बेब बात खून है, बल्कि बेब बात खून है, बल्कि बेब बात खून है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए,
यीशु का नाम बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, उस लहू को पुकारे, वो रूहें बचाने वाला है, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है, पुकारे यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही हमें बचाता है, वही बचाता है, वही हमें छुड़ाता है, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, और आप पवित्र हो जाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, आत्मा सच्चाई से बचाता, वो हमें बचाएगा, वो ही बचाता, वो हमें छुड़ाएगा, वो ही बचाता है, बचाएगा, वो ही बचाता है, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया,
बचाता है।
कभी भूख नहीं लगेगी। जीवन की ज्योति वो जीवन की ज्योति है, जीवन की ज्योति है वो दीवार से कभी नहीं बनेगा, वो बंधनों को तोड़ता है, यीशु छुटकारा देता है, वो आपको समय छुटकारा देगा, गरीबी से यीशु चंगाई देता है, यीशु कर्ज मिटाता है, यीशु कर्ज मिटाता है, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो बचाता है, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो जीवन देता है, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो आनंद देता है, वो आपको आनंद देता है, आनंद देने वाला, हालेलुया 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 हल्दिया 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 हल्दिया
यीशु नाम में बंधन खुल जाए, यीशु नाम में बंधन टूट जाए, यीशु के परम पवित्र लहू की शक्ति और साबुन के द्वारा इसी समय अंधकार की शक्तियां थर थर कांप उठे, आकाश और पाताल की शक्तियां उसके नाम के आगे कांपती है, झुक जाती है, उस नाम को पुकारे, प्रार्थना करे। हालेलुया 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 एक को स्पर्श कीजिए, छूले 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 प्रभु, छू छू प्रभु, छू स्पर्श कर, स्पर्श कर, बंधन खुले, आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले, बीमारियां इसी समय गायब हो, कांटे गायब हो, कैंसर की बीमारी ठीक हो, इसी समय रक्तचाप की बीमारी ठीक हो, सर का दर्द, कमर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द ठीक हो, हालत सुस्ती की याद निकले। हालेलुया 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 पापों से, श्रापों से, अभिशापों से, बंधनों से इसी समय आजादी मिले, चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करें। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 आइए आत्मा पवित्र आत्मा उतर आइए हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के सानिध्य से भर जाएं, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में विराजमान है, प्रभु की शक्ति आपको इस समय स्पर्श कर रही है, आपके जीवन के बंधन खुल जा रहे हैं, इस समय आपके कर्ज से आपको प्रभु छुटकारा दे रहे हैं, यीशु जीवन की ज्योति है, आपके जीवन में जो अंधकार है, आपके परिवार में जो अंधकार है, यीशु जीवन की ज्योति आकर आपके परिवार में रोशनी भर रहे हैं, आपके जीवन में उजाला आ रहा है, जहां पर ज्योति आती है वहां पर अंधकार नहीं रहता, आज यीशु जीवन की ज्योति आपके जीवन में आ रहे हैं, यीशु आपके जीवन में है, अंधकार मिट जाएगा, वो जीवन की रोटी है, जो उस रोटी को खाएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगी, वो जीवन का पानी है, जो उस जल को पिएगा उसे कभी प्यास नहीं मुझे लगेगी। प्रभु ने कहा तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ और अपनी प्यास को बुझाओ, यीशु के लिए हम प्यासे हो उसे हम पी जाएं, यीशु प्रेम का सागर है, हमारे अंदर जो घमंड है, गुस्सा है, अहंकार है, वचन बताता है शैतान को अवसर ना दें, उसे अवसर ना दें, गुस्से के द्वारा उसे अवसर ना दें, सूरज डूबने से पहले अपने गुस्से को शांत करें, उस प्रेम से भर जाएं, वो प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है, आप दया करें, एक दूसरे पर दया करें, प्रभु का वचन हमें बताता है यदि तुम चाहते हो कि प्रभु यीशु आप पर भी दया करे तो पहले आप भी अपने दुश्मनों को माफ करें, उन पर दया करें, उन्हें क्षमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उसके नाम में जीवन है,
जितनों के जीवन में वो आए, यीशु आए, उन्हें जीवन मिला। और प्रभु भी हमसे कहता है अपने वचन के द्वारा, मेरे भाई बहन, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन, परिपूर्ण जीवन तुम्हें मिले। यीशु परिपूर्ण जीवन देने हमें आए। यीशु नाम में आनंद है। आज हमारे अंदर बेचैनी है, आज हमारे अंदर खामोशी है, डर है, हम तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, रोते हैं, लेकिन यीशु कहता है वही आनंद है। जब वो आता है हमारे जीवन में आनंद का विषय बन जाता है। और यीशु भी जब इस दुनिया में आए, उनके जन्म का पैगाम जब बताया गया, दिया गया, तो स्वर्गदूत ने भी कहा, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार लेकर आया हूं। आज यीशु आए हैं आपके घर में, यीशु आए हैं आपके घर में, आनंद है। आज से जो आपके घर में पहले कष्ट था, कलेश था, लड़ाई झगड़ा था, पति के शराब के नशे के कारण, बेटे के शराब के नशे के कारण, गरीबी के कारण, कर्ज के बोझ के कारण, बीमारी के कारण, जो आपके घर में दुख था, आज वो दुख आनंद में बदल रहा है। प्रभु भी कहता है, मैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा, बदल रहा है। धन्यवाद दें, आपका दुख आनंद में यीशु बदल रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई इस समय प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से बताएं, प्रभु को पुकारें, अपने घरों की चौखटों पर, अपने घर के दरवाजों पर यीशु के लहू को लगाएं। जहां पर यीशु का लहू पुता है, वहां पर कोई अंधकार की शक्ति प्रवेश कर नहीं सकती। यीशु के लहू का बाड़ा अपने घर के चारों ओर बांधें, अपने सर से पैरों तक यीशु का लहू लगाएं, अपनी बीमारी पे इस समय यीशु का लहू लगाएं। यीशु आज आपके घावों को भरेंगे, यीशु आज आपको चंगाई देंगे। यीशु के लहू को लगाएं, अपने बिजनेस पर छिड़कें, अपनी नौकरी पर यीशु का लहू लगाएं, अपने बच्चों के सर से पैरों तक लहू लगाएं। जब यीशु का लहू आप अप्लाई करेंगे, जब यीशु के लहू को आप लगाएंगे, बंधन खुलेंगे, बीमारी भागेगी, अंधकार निकल जाएगा, पूर्ण आजादी आएगी, पूर्ण चंगाई आपको मिलेगी। क्योंकि वचन बताता है, उसके घावों के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें शांति मिली। उनसे जो लहू बहा, उसके द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। आपकी बीमारी अब आपके जीवन में नहीं रहेगी, चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद दें। आमीन। थैंक यू जीसस। आपके शरीर में जो गांठें थी, जहाँ कहीं भी गांठें थी, आज यीशु के लहू को आपने लगाया, वो पिघल गई हैं। धन्यवाद ने। अब आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद ने प्रभु को। आपके शरीर में जो एलर्जी थी, खुजली थी, घाव थे, यीशु ने अपने लहू को लगाकर उन्हें शुद्ध और पवित्र कर दिया है। आपका शरीर कोमल हो गया। धन्यवाद ने प्रभु को। थैंक यू जीसस। आपके जो कार्य अभी तक बंधे हुए थे, आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन आज यीशु ने आकर के स्पर्श किया है, आपने यीशु के लहू को लगाया है, बंधन खुल गए हैं। आज से आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख ही सुख आएगा, शांति ही शांति आएगी, बरकत ही बरकत आएगी। जिस काम में आप हाथ डालेंगे, वो काम में आपको आजादी मिलेगी, उस काम में आपको आशीष मिलेगी। थैंक यू जीसस। वो काम आपका सफल होगा। आमीन। आप जो जमीन खरीदना चाह रहे थे या जमीन बेचना चाह रहे थे, बंधन था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, ना तो खरीदने, आप बेचना चाहते थे, कोई नहीं आ रहा, आप खरीदना चाह रहे थे, आपको प्रबंध नहीं था पैसे का, लेकिन आज बंधन खुल गया है, आपको जमीन मिल जाएगी, आपका फंसा हुआ पैसा भी मिल जाएगा,
आप विदेश जाना चाहते हैं, प्रार्थना करें, यीशु के लहू को लगाएं, आपको जाने का मौका मिलेगा। आप नौकरी करना चाहते हैं, आपका वीजा नहीं मिल रहा, यीशु आज आपको वीजा देंगे और आप विदेश जाकर नौकरी करेंगे। यीशु ने कहा, धन सम्मान आदर और महिमा ईश्वर की ओर से मिलता है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करते जाएं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मेरे इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें तू आशीष दे प्रभु, इनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, इन्हें तू स्वतंत्र और आजाद कर प्रभु, तेरी उपस्थिति से भर इनके जीवन से प्रभु कष्ट बीमारी निकले, प्रभु तेरी इनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद यीशु तेरी महान उपस्थिति के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रेमी पिता, हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम पर हम मांगते हैं, बोलेंगे आमीन 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में, हमने यीशु के लहू को पुकारा और जब यीशु के लहू को हम पुकारते हैं, यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें बंधनों से आजाद करता है, वो रोगों को मिटाता है, वो चंगाई देता है। आज आपने और मैंने यीशु के लहू को पुकारा, हमारे जीवन में चंगाई आई है, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आया है। प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, और इस प्रार्थना को देखने के द्वारा या फ़ोन में प्रार्थना कराने के द्वारा आपको जो आशीष मिली है, चंगाई मिली है, उसका साक्ष्य आप बन सकते हैं, आप अपनी गवाही भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, एक ही नंबर है। कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, इसी नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। रात 8:30 बजे प्रतिदिन रात 8:30 बजे प्रार्थना आती है, प्रार्थना में भाग लें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। God bless you.